माशाल्लाह याकूब सरदार, आपकी खुशी दायमी रहे। ऐसा लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा, हम दुनिया के तमाम काफिरों के दिलों पर वार करेंगे। जल्द देखेंगे आप। कहीं दूर क्यों जाएं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा नफ्स है जो तेरे सीने में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नफ्स हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और यह इतना बड़ा दुश्मन है कि भाई भाई का हक छीनता है। नफ्स की खातिर वो अपनी नजरें उस पर लगाता है जो उसका नहीं है। इस तरह के लोग होते हैं, आप जानते हैं। जी हाँ जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो लोगों को खुश करने के लिए अपने खून से दुश्मनी करते हैं, जो अपने बच्चों से मुंह मोड़ लेते हैं। औलाद, एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपनी नहीं रहती, जब आप सोच समझ कर नहीं बल्कि जज्बात से काम लेते हैं, तो आप भी सामने वाले का दिल तोड़ते हैं। ये सब मुझे नजर आ रहा है। अपने आप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, गलतफहमी और दुश्मनी इंसान को गुलाम बना देती है। यह उसे गुरूर और जिल्लत से बिल्कुल बेखबर कर देती है। वो हक और बातिल में फर्क करने से महरूम हो जाता है और अकेला रह जाता है। कभी मैं उन लोगों को देखता हूं जो मेरी चीजों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अल्फाज हमारे सरों पर ताज हैं और हमारे दिलों की दवा हैं। हमें कभी इससे महरूम ना करें बुजुर्ग। सच की तलाश करने वालों को अल्फाज की जरूरत नहीं, उसके लिए तो चूठियों के चलने की आवाज काफी है। लेकिन जो खुश होने के लिए इख्तदार चाहता है और सच्चाई को छुपाकर शोर करता है, ऐसे इख्तदार का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल और दिमाग एक ही सिमत में है, अल्लाह का शुक्र है। हम यकीनन चूटियों के कदमों की आवाज सुनना चाहते हैं। सलामत रहें। सलामत रहें। सरदार को बुलाए कोई जल्दी। सरदार, सरदार, याकूब सरदार। बाबा, बाबा, कानियो मास। बाबा, बाबा, उठाओ ने, उठाओ, जल्दी उठाओ। बाबा, कुछ नहीं होगा आपको। बाबा, बाबा आगे को।